अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास आया है गैस वाला पंप रिपेयर होने के लिए, तो इसको पहले लगा कर चेक करते हैं। ये इसका रेगुलेटर ख़राब है, ये ऑन होता है और साथ ही ऑफ हो जाता है। जब तक पकड़े रखें ये ऑन है, छोड़ते ही ऑफ हो जाता है। इसका रेगुलेटर हम चेंज करते हैं। भी भाई ने सिर्फ पेच लगाया, माशाल्लाह उसके पेच भी काफ़ी बड़े बड़े लगा दिए। अब छोटे पेच लगा देंगे इसे। पेचकस से खोलने की कोशिश करते हैं। इससे पेच फंस सकते हैं, ये काफी खोल सकते हैं। अब इसमें हम आगे किसका टांके निकालेंगे, काफ़ी को गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसको लगा के रख के और इतनी देर में हम उसको खोल लेते हैं। ये रेगुलेटर आपको करीबी किसी भी शॉप से आप पता कर लें, आपको इजी मिल जाएगा। नहीं भी मिलता तो फैन का रेगुलेटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये इजी राउंड इसमें रख कर ऊपर से इसको नट लगा दें। अब ये बस और एक मिनट में गर्म हो जाएगा, फिर हम इसको थोड़ा सा से आप खोल देंगे तो आपको टांके लगाने में आसानी होगी। याद करनी है आपने कि सोल्डर जहाँ से भी लेना बोलें यार अच्छा ज़रा सोल्डर दे। अक्सर लोगों को लगाने में बहुत तंगी होती है, लगाते तो कहते हैं टांका हमारा सही नहीं लगता, काविया सोल्डर को पकड़ता नहीं। तो जो अच्छा सोल्डर होता है उसमें पेस्ट शामिल होती है, वो टांका भी अच्छा लगाता है और जल्दी उतरता भी नहीं।
ये हमारे जो तारे हैं इन्हें सोल्डर पहले से लगा हुआ है, अगर ना लगा हो तो इसको सोल्डर लगा लें, इससे ये फ़ायदा होगा आपको कि टांके लगाने में ईजी होगा, क्योंकि सोल्डर दोनों चीज़ों पे लगा हो तो टांका तो ईजी लग जाता है। इसमें अक्सर लोग ये भी बाद में उतारने के बाद भूल जाता है कि टांके का लगाने का मेन कहाँ पे लगना, पंप के टांके कहाँ पे लगने थे। इसमें इजी है कि फर्स्ट वाले जो दो हैं, सेंटर वाला कॉमन होता है, ये बेकार होता है, ये दो जो है ये आपने मेन, और ये दो जो हैं पंप के उल्टे लग जाएँ तो टेंशन नहीं है, कोई फिक्र वाली बात नहीं है, आप उल्टे भी लगा सकते हैं, इससे ख़राब नहीं होगा। बस ये याद रखना है पहले दो मेन है 220 वोल्ट एसी और आगे वाले 220 वोल्ट इसके पंप के लगेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये मैंने इस टेस्टर के साथ क्या किया है, ये नॉब इसकी गिर जाती थी इसलिए इसको थोड़ा सा खोल दिया ताकि ये गिरे ना दोबारा। ये बिल्कुल ओके हो गया, ये ऑफ, ये स्लो स्पीड और ये बिल्कुल फुल स्पीड, अब इसमें किसी किस्म कोई फॉल्ट नहीं है। अब इसे हम ऑफ करके इसके टॉप ऊपर पेच लगाते हैं वापस। पेच हम इसे सारी नए लगा देते हैं क्योंकि इसका डब्बा बहुत आवाज़ करता था, उसका जो कस्टमर मेरे पास आया था वो बोलता था भाई इसकी आवाज़ बहुत है, तो इसलिए मैं कहा कोई बात नहीं भाई मैं इसकी आवाज़ भी ख़त्म कर दूँगा। ये मशीन कितनी खास महंगी नहीं है, आप भी घर में एक लेके रखें, अक्सर काम होते हैं घर में करने वाले जो पेज कैसे बंदा करता है और थक जाते पेज जरा ज़्यादा कसने होते किसी जगह पर, आप इसके साथ इजी कर सकते हैं। इसमें रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों होते हैं, इजी आप खोल भी सकते हैं, पेज बंद भी कर सकते हैं। ये हमारा ओके हो गया, अब करने के वजह से दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल ओके हो गया। तो वीडियो के बाद मैं आपको ये नहीं कहूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या कोई और काम, हाँ आपने कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि अभी कोई चीज़ ख़राब है उसको हम सही करना ज़रूर बताएंगे, कौन सी चीज़ ख़राब है उसकी कोई फॉल्ट बता दें भाई ये चीज़ है ये ऐसे करती है, हम आपको सही करना ज़रूर बताएँगे। ओके अल्लाह हाफिज़।